केरला में बीजेपी को लेकर जो आशा जगी थी वो 2024 में विश्वास में बदलती नजर आ रही है। 2019 में केरला ने बीजेपी एनडीए को डबल डिजिट में वोट दिया था। 2024 में केरला डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में की त्रिवेंद्रमपुरम की यात्रा में दावा किया था कि आगामी लोकसभा चुनाव में केरल में भाजपा दोहरे अंक में सीटें जीतेगी। इसके लिए राज्य की 20 लोकसभा सीटों में से 12 उम्मीदवारों ने नाम की घोषणा पहली सूची में कर दी गई है। इसमें एक मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं। जानिए किन नेताओं को किन सीटों से टिकट मिला है। पिछले 2 महीनों में पीएम मोदी 3 बार केरल की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया था कि आगामी लोकसभा चुनाव में केरल में भाजपा दोहरे अंग में सीटें जीतेगी, मतलब कम से कम 10 सीटें बीजेपी यहां से जीत सकती है। इस बीच शनिवार को भाजपा ने लोकसभा के 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें केरल के 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसमें से सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम को मलप्पुरम से टिकट दिया गया है, उनका नाम चर्चा में आ गया है। इसके अलावा कुछ अन्य उम्मीदवारों के नाम भी चर्चा में हैं। आपको बता दें, केरल में किस लोकसभा सीट पर किसे टिकट दिया गया है और उनका कैसा है प्रोफाइल। केरल के कठिन राजनीतिक माहौल में पैट बनाने के प्रयास में भाजपा ने अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी त्रिशूर से टिकट दिया है। साल 2016 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत प्रतिष्ठित नागरिकों की श्रेणी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होने के बाद गोपी ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।